हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सुना है कि मृत्यु के समय मनुष्य को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, क्या मृत्यु को आसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? प्राण त्यागते समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करें। हे अर्जुन, मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और यह मोक्ष केवल मनुष्य योनि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करते हैं, परंतु मनुष्य की विडंबना यही है कि वह इस शरीर को अर्थात मोक्ष के अवसर को गंवाता रहता है। सारी आयु भोग विलासों में बिताता है, यहां तक कि जब शरीर छूटने का समय आता है तब भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। मृत्यु के समय जो वासना मनुष्य के मन में दृढ़ रहती है, उसी वासना के अंतर्गत मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद भाव भाविता। सुना है कि मृत्यु के समय मनुष्य को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, क्या मृत्यु को आसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? प्राण त्यागते समय अपनी सभी इंद्रियों के द्वार को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तिष्क में स्थापित करके परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करें, तो वो मनुष्य जीवन भर कितना ही पापी क्यों न रहा हो, उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाएगा। हे मधुसूदन, क्या कोई ऐसा स्थान नहीं जहां से लौटकर आना ना पड़े और जन्म मरण का ये चक्र समाप्त हो जाए? ऐसा स्थान केवल परम धाम है, अर्थात मेरा धाम, जहां पहुंचने के बाद किसी को लौटकर नहीं आना पड़ता, इसी को मोक्ष कहते हैं। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम।